शासी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में करियर काउंसलिंग मेला कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि नगर पंचायत अध्यक्ष शारदा रावत, विशिष्ट अतिथि तहसीलदार अजय पटसारिया, डिप्टी कमांडेंट आईटीबीपी एसपीटी कमलेश कमल, पूर्व जनपद अध्यक्ष नरवर रामस्वरूप रावत, सुमित गुप्ता, साहित्यकार प्रमोद भारती, कॉम्पिटिशन अकेडमी राहुल राजपूत, कौशल किशोर भार्गव, पत्रकार संजय गुप्ता, बिलिया करेरा मुख्य रूप से उपस्थित हुए। कार्यक्रम के प्रारंभ में सर्वप्रथम माँ सरस्वती का पूजन अर्चन एवं विद्यालय की छात्राओं द्वारा स्वागत गीत और मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों का विद्यालय की प्राचार्य कविता अग्रवाल द्वारा पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत सभी अतिथियों ने अपने अपने अनुभव बच्चों को साझा कर करियर काउंसलिंग से संबंधित अपने वक्तव्य दिए एवं मोटिवेशनल बातें समस्त छात्राओं को बताई गई। वहीं विशिष्ट अतिथि तहसीलदार अजय पटसारिया ने कहा कि शिक्षा एक अस्त्र है, शस्त्र है। सुप्रीम कोर्ट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्च बेंच के ट्रिपल बेंच से जीत के आया और इस पद पे आया। यद्यपि मैं प्रदेश में टॉपर टॉप 10 वाला व्यक्ति हूं, टॉप 10 मेरा रिटर्न में आया था तो आज एडीएम होते। कोई बात नहीं, जितना ही मिला बगीचे सरकारी कृपा ही जितना मिला है उतना कम नहीं है। लेकिन मैं भी बहुत एक सामान्य परिवार से हूँ, आप ही की तरह परिवार से हैं। लेकिन शिक्षा एक ऐसा अस्त्र है जो मुझ में और आप में जो दूरी का अंतर है, जो जगह का अंतर है वो बताता है। मैं भी जब विद्यार्थी था इसी प्रकार से आप जैसे बैठे हैं, हम भी ऐसे ही बैठे और धूल में बैठते थे। आप इसमें बैठे हैं, मैं धूल में बैठता था। जब मैंने भी अपनी जितनी शिक्षा प्राप्त की है सभी सरकारी स्कूलों में प्राप्त की है और मैंने एमए भी किया है, पॉलिटिकल साइंस से यूनिवर्सिटी टॉपर भी हूँ मैं, सौभाग्य से तीसरी रैंक मेरी जीवाजी यूनिवर्सिटी में आई पॉलिटिकल साइंस से, एमए मैंने किया है। बिल्कुल सामान्य तरीका से किया है, सामान्य परिस्थितियों में किया है, सामान्य परिवेश में किया है। इसलिए आप में से जो बच्चे सामान्य परिवार से हैं उनको इसकी चिंता नहीं करना चाहिए। दूसरे की जहाँ तक विषय की बात थी, कोई भी विषय छोटा बड़ा नहीं होता है, विषय सब बहुआयामी है, विषय सब बहुत विस्तृत हैं, विस्तृत व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करते हैं। आर्ट्स को पहले लोग थोड़ा छोटे हल्का करके समझते थे, आज मुझे ये कहना पड़ रहा है, इस स्थिति से मैं कहना चाहता हूँ कि आज भी हमारे देश में जितने IAS IPS अभी हैं वर्तमान में, उसमें आर्ट्स विषय के ही सबसे ज़्यादा IAS और IPS हैं आज की तारीख में। कुछ पैटर्न बदला है अभी और उसमें कि धन्यवाद शिवराज का करते बारंबार और मात पिता से बढ़कर है मामा तेरा प्यार। निश्चित तौर पर हमारे जिन परिवारों के माता पिता अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने में समर्थ नहीं है उनका ध्यान हमारे मुख्यमंत्री रख रहे हैं। अभी आपके करियर के विषय में राजपूत जी ने और सम्मानित तहसीलदार साहब ने बहुत सारी बातें बताई हैं, मेरा तो उतना ज्ञान भी नहीं है, नॉलेज भी नहीं है। मैं आपको अपनी कविताओं की कुछ पंक्तियां ज़रूर सुना के अपनी बात रखूंगा। सबसे पहले तो यही कहूंगा कि लक्ष्य के प्रति सजग रहना तो मंजिल को पा जाओगे और मन में है विश्वास अगर तो सदा सफलता पाओगे। आपको 40 पर काम करना है, सबसे पहले T4 टारगेट अपना लक्ष्य निर्धारित करना है, दूसरे T4 टाइमिंग, T4 ट्यूनिंग और T4 टीम, इन 3-4 चीजों को आप लेकर के आगे बढ़ेंगे तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। मान लीजिए कि तहसीलदार के लिए आपका चयन हो रहा है, किसी भी PCS में जाते हैं, सेवा में जाते हैं, तो ये देखते हैं कि आप आत्मगुण तो नहीं है, किसी भी साक्षात्कार में इसका पता चलता है। तो मैं जब यहाँ आया तो मैंने सबसे पहले जब मेरी बारी आई तो मुझे लगा कि आप सब बैठे बैठे थक गए होंगे, इसलिए मैंने आपसे अनुरोध किया कि थोड़े खड़े हो जाए और खड़े होकर के फिर मैंने बिठा दिया। अच्छा लग रहा है? अच्छा, देखिए जब भी पूछा जाए कहीं भी, थैंक यू। अच्छा, जब नाम से इसको जाना जाता है तो उसको मैंने चुना, तो मुझे लगा कि हाँ मैं इसको कर सकता हूँ। तो प्रारंभिक स्तर पे मैंने 2020 का प्रीलिम्स दिया और प्रारंभिक स्तर में मेरा थोड़ी मेहनत भी और ईश्वर का साथ भी रहा कि पहली परीक्षा मेरी प्रारंभिक स्तर में पास हुआ। उसके बाद अभी अप्रैल 2020 में मैंने मुख्य परीक्षा दी है MPPSC मेंस की, मैंने परीक्षा लिखी है
और उस परीक्षा के माध्यम से अभी मेरा इतना अच्छा मेंस रहा है कि मैं एक तरीके से कह सकता हूँ कि मेरा मेंस इस बार क्या होगा, क्लियर होगा। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे मान के चलो मैंने बारहवीं पास किया, तो मेरे जीवन में कुछ दो तीन लोग ऐसे आए जिन्होंने मुझे ये बताया कि तुम ऐसा कुछ कर सकते हो कि तुम्हारी क्षमताएं हैं कि आप बीएससी को क्रैक कर सकते हो। तो सबसे बड़ी समस्या देखो बारहवीं के बाद क्या होती है, अगर मान के चलो वो दो व्यक्ति मेरे जीवन में नहीं आते तो मैं कभी जीवन में पीएससी का नाम तक मैंने नहीं सुना था, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से, जिस छोटे से गांव से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे पीएससी का नाम तो लोगों को जानना एक बड़ी बात होती है, क्योंकि आज के समय में तो हमारे पास मोबाइल है, टीवी है, न्यूज़पेपर है, इन सभी के माध्यम से हम सारी चीज़ों को आसानी से पता कर देते हैं कि आज जैसे पटवारी के फॉर्म की डेट बढ़ चुकी है, एमपीपीएससी का नया